हाँ जी, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। हाँ मैं भी मस्त। आज हम जा रहे हैं डोंगरगढ़ में स्थित प्रज्ञागिरी में। प्रज्ञागिरी में क्या है? प्रज्ञागिरी में बुद्ध जी की मूर्ति स्थापित है और वह बहुत ही सुंदर और मनमोहक एक छोटी सी और प्यारी सी जगह है। तो आइए चलते हैं प्रज्ञागिरी। देखना डोंगरगढ़ में बहुत से अच्छे अच्छे घूमने लायक प्लेसेस आपको मिलेंगे। प्रज्ञागिरी हो गई, माता बम्लेश्वरी का मंदिर हो गया, और भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। अभी साइड में जैन मंदिर मर रहा है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, देखते हैं पता नहीं कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल आप प्रज्ञागिरी के मजे लेते हैं। हम प्रज्ञागिरी आए कैसे ये बताओ, कितने लड़ाई झगड़े के बाद आए हैं ये बताओ। बस मूड ही नहीं मर रहा था। कोई मूड नहीं, बेवजह की लड़ाई की है इसने। इसीलिए कहता हूँ कि कम खाया करो। तो वही लेस खुल गई है, अब इसको बांधेंगे। तुम्हारी जूता बन गया पक्का। बहुत ही खूबसूरत नजारे हैं। बम्लेश्वरी माता मंदिर की तरह यहाँ दर्शकों का भीड़ नहीं होता, इसलिए और भी बहुत सुकून और शांति महसूस कर पा रहा हूँ मैं, और आप भी कर पाओगे जब भी आओगे। फिलहाल तो अभी आप इस वीडियो के जरिए सुकून पा लीजिए। लगभग हम पहुँच गए हैं, कुछ सीढ़ियाँ ही चढ़नी होती है, इतना ऊपर नहीं है। आज बहुत अच्छा भी मौसम है, पता नहीं बारिश होने के चांसेस हैं, तो देखते हैं क्या होता है आगे। बट अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, इतनी मशक्कत के बाद, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, इतनी कम सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आखिर हम पहुँच गए हैं प्रज्ञागिरी। आप मेरे पीछे देख सकते हो बौद्ध भगवान का मूर्ति है। चलिए आपको पास से लेकर जाते हैं। मैं अभी बहुत सालों बाद आ रहा हूँ, लगभग ये मेरा सेकंड टाइम ही है। मेरे पीछे का नज़ारा आप देख सकते हो, कितनी खूबसूरत, कितना ही खूबसूरत लग रहा है मेरे पीछे का नज़ारा, और इसकी तो क्या ही बात करें। ठीक है, नज़ारा नज़ारे कैसी बातें हैं तोरे। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। आप देख सकते हो बौद्ध जी की मूर्ति, और सबसे सबसे खूबसूरत, सबसे यहाँ पर जो सबसे ज्यादा खूबसूरती, और वो चीज जो और खूबसूरती, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चीज जो इस खूबसूरत नजारे को और भी खूबसूरत बना रही है वो है इस बुद्ध भगवान के साथ, इस प्रज्ञागिरी के साथ, वो बम्लेश्वरी माता जी का मंदिर। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे, थोड़ा साइड देंगे तभी तो लोग देखेंगे। सुनो फोकस करो। यह प्लेस प्रज्ञागिरी एक तरह से एक पिकनिक स्पॉट है,
और बहुत ही जहाँ आप अपने फैमिली हो, फैमिली मेम्बर्स के साथ आकर एक पिकनिक मना सकते हो, एक खाली समय स्पेंड कर सकते हो। बहुत ही अच्छा नज़ारा है आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। वो रहा हमारा मंगलेश्वरी माता जी का मंदिर और ये रहे बुद्ध भगवान प्रज्ञागिरी। हेलो दीदी, प्रिया दीदी से हाय टू प्रिया दीदी भी ऑनलाइन क्या बोलते हैं बाय वीडियो कॉल हमारे साथ प्रज्ञागिरी में स्थित। ठीक है ठीक है, आप भी आ गए हो व्लॉग में, आइएगा आप भी, आप भी आते हैं तो मजा आता। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मौसम भी बहुत अच्छा है, आप ऊपर देख सकते हो बादल, शायद बारिश भी हो सकती है। तो मेरे पीछे का नजारा मतलब बता नहीं सकते, इतना बेहतरीन दिख रहा है। ठीक है, इतना ही खूबसूरत नजारा है मेरे पीछे देख। अभी है प्रज्ञागिरी में, बहुत ही कैसा लग रहा है आप दीदी, आपको आकर अच्छा लग रहा है? फाइनली झगड़े के बाद हम फाइनली आए हुए, फाइनली इतना बड़ा झगड़ा और उसके बाद डिसीजन के बाद झगड़ा, उसके बाद फिर डिसीजन के बाद फिर झगड़ा, देन आई होप ये व्लॉग आप सभी को पसंद आई होगी और मेरे साथ साथ आपने भी प्रज्ञागिरी के इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाया होगा। तो चलिए चलते हैं।